सीन काट नहीं, हम बिल्कुल नहीं काटेंगे गाइस, मैं नहीं काटने वाला, चाहे जो मर्जी हो जाए। तनु को ऐसे दिखाएंगे हम, तनु का ये चेहरा ध्यान से देखिए, सोना मुंडा चाचा, सोना मुंडा देखिए इस चेहरे को, सोना मुंडा, कहीं भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए तो प्लीज प्लीज घर छोड़ के आना, क्योंकि घर भूल जाता है। घर इनका एड्रेस। जय हिंद गाइस, आज आपका भाई सौरभ पुंछी एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर है। उम्मीद करते हैं आपको आज तक के सभी ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, ऐसे ही प्यार देते रहें। आज हमारे साथ हमारे जो ग्रुप है सिद्धांत, साथ में रोहित, तरुण जी, साथ में हर्षित, इधर हमारे सबसे खतरनाक विशु जी, साथ में सुजल, मतलब पूरा ग्रुप जो है ब्लॉगिंग ले जा रहा है आज। माधव जी, हाँ सॉरी माधव का भूल गए, माधव साथ में ही करेगा ब्लॉग, तो माधव खुद बताता रहेगा। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, स्किप ना मत करें, ऐसे प्यार देते हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो प्यार मिलेगा, शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर मिलेंगे। भाई पिछले वीडियो में बड़ी मिलते हैं कि आपकी आप कितनी मिलते करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो ना, मत करो बेटा, मत करो, तुम मत करो, तुम भी देखोगे कि क्या क्या चीज़ है, मतलब कि तुम ही नहीं देख पाओगे उन अच्छी अच्छी वीडियोज़ को जो कि हम आपके लिए बनाते हैं। मत करो सब्सक्राइब, अरे कर दो यार सब्सक्राइब करने से, देखो होता क्या, पहली चीज़ कोई पैसा नहीं लगता है, दूसरी चीज़ जैसे ही हम कोई धमाके दमार मतलब तड़ाके फड़ाकेदार वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है और आप उसे देख पाते हैं। यही तो होता है यार, बस कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब का, तोड़ दो यार लाल कलर के बटन को, उसमें ही VIP लगा दो, उड़ा दो धम से। गाइस अभी हम जा रहे हैं शंख डोडा के पास, आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत दूर है, तो शंख डोडा से पीछे हम ब्लॉग शूट करेंगे। लोकेशन बड़ी प्यारी है भाई, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है और जब मिल बैठते हैं चार यार तो पार्टी तो बनती है। आज इंजॉय करेंगे, ब्लॉग में आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, एक एक लोकेशन दिखाएंगे। प्लीज़ यार आप लोग ना वीडियो शेयर नहीं करते, बड़ी बीमारी है आपको शेयर ना करने की। पुंछी में बोलूँ आपको, शायद हमारी हिंदी समझ आती नहीं है, मैं आपको पुंछी में समझाता हूँ, वीडियो शेयर करेगा ना मेरा क्या कसना, शेयर कर करो, इंग्लिश में कह देता हूँ, प्लीज़ गाइस शेयर माय वीडियो एंड लाइक, आगे इंग्लिश इतनी भी नहीं आती है, इतनी इंग्लिश नहीं आती, चलो काम चला इससे, क्योंकि इतना भी बोलना बहुत होता है यूट्यूबर के लिए। और एक चीज़ बताऊँ, माधव इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत ही, हाउ आर यू माधव? आई एम आल्सो फाइन यार। रहता नहीं है। और ये देखो हमारे मोटो व्लॉगर्स, और ये हमारे हर्षित जी लोग, अच्छा हम कुछ खा रिया है। अच्छा तो भाई मौसम बहुत बुरा है, आगे का बताते देखो, ओए ओए बैठ नहीं, बैठ मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये सर्दी का महीना होता है, आप जम्मू कश्मीर में ओए बैठ नहीं, अरे बैठ नहीं, अरे पुंछ में जरूर आएगा। और ये देखो पुंछ की रोटी की लच्छी है, जो कि मनाली को बीट करती है, पूरे पूरे मनाली को ये बीट कर सकती है। और ये पीर पंजाल रेंज से, पीर पंजाल रेंज सामने आके ये देखो, आपको बता दूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जरूर इधर आएँ और जरूर इस पूरे सीन को देखें, कितना अच्छे पहाड़ है, कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। प्लीज़ प्लीज़ बहुत पूरे करने वाले लड़के हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, इनको बोला भी होगा आराम से चलाओ, फिर इनका दिमाग नहीं है, वो जो सबसे आगे ये जो चला रहा है ना V15 है ना बजाज, ये तो है ही नहीं, इसको विक्रांत, इसको अक्ल ही नहीं है। और ये देखो ये स्प्लेंडर वाली, इनके पापा साहब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने हेलमेट ही नहीं पहना हुआ है। ये देखो ये कैसे देख रहे हो, ये देखो ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये देखो देखना, तो एक ही बात करते रहते हमने सब्सक्राइबर्स में से कि प्लीज लाइक करो कमेंट करो, ये सुनते ही नहीं है, जोर भी है ना, दो आशिक हैं बस। देखो हम अभी रुके हुए हैं, मैं अपने विशु भैया के पास जाऊंगा, ये मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, ये सौरभिया के ब्लॉग में हम इसलिए ला रहे हैं कि सौरभिया का चैनल प्रमोट हो जाए, पर सब्सक्राइब ही नहीं करते लोग, इनकी किस्मत ही नहीं है ऐसी, है ना विशु जी, आप क्या बोलना चाहते हैं बताएं। ये देखो ये गाइस
जय हिंद कर सकते हैं भारत बस ये जय हिंद कर अच्छे भाई तरुण नाम है इनका इंस्टा आईडी तरुण टंडन @TTandon है ना तो प्लीज फॉलो करो मेरी आईडी आई माधव शर्मा 100 रुपये को कोई जरूरत नहीं है फॉलो करने की अभी जय हिंद करेंगे अभी करना चाहिए सब्सक्राइब कर दो यार इनको सब्सक्राइब करो खाली इतना काट लेना इनके चैनल इनके देखनी हुई देखेगा नहीं वाला चाहे जो मर्जी हो जाए तनु को ऐसे दिखाएंगे हम तनु को ये चेहरा ध्यान से देखिए सोना मुंडा चाचा सोना मुंडा देखिए इस चेहरे को सोना मुंडा कहीं भी दिख जाए तो प्लीज प्लीज घर छोड़ के आना क्योंकि घर भूल जाता है घर इनका एड्रेस बता दो ना कहाँ पर है इनका घर अपने घर के नीचे उसके पीछे आगे और नीचे वहीं का कैमरा इतना अच्छा है मुझे अपनी शक्ल देखने में इतना मजा आता है चिट्टा तो मैं नहीं हूँ फिर भी मुझे इतना मजा आता है सूर्य के लगे शक्लें धुतियाँ गिनी लाल लाल इनकी आए हाय 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 आए हाय कुर्बान जवान है धुतियाँ ऊपर आए मजा आया साहब ही नहीं है गवर्नमेंट के आदेश है कि 40 के ऊपर स्पीड नहीं करनी चाहिए ये 40 के ऊपर हम गए ही नहीं तो पीछे स्प्लेंडर वाले ने अपनी बूथी निकाली हुई है इतना वो है ना ये स्प्लेंडर वाले इतना चला लोग है ना चला ऐसे हमें बुढ़िया मार के देख रहे थे आओ आजी बुझियो आजी बुझियो आया मुझा आया मुझा ब्लॉगर्स बाय बाय मोटो ब्लॉगर्स हम चल रहे हैं हम पहुंच गए हैं कलाई पूंछ के नज़ारे ये देखो आप देख सकते हैं गाइस ये आगे पीर पंचायत रहेंगे वो सामने और वहाँ पर ही पीर की गली वहाँ पर ही है गाइस आप आए यहाँ पर इतना मज़ा आएगा आपको यहाँ पर देखें पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ है ये ब्यूटी पूरी मनाली को बीट करती है और यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत अच्छा हो गया है अब तो मैं चाहता हूँ कि आप सब आएँ नई नई लोकेशन देखें अपनी फैमिली के साथ आएँ ट्रिप में आएँ और पूंछ में ज़रूर आएँ गाइस एक काम करना क्योंकि पिछले दिनों जब कोविड का टाइम था तो देश में खुशहाली हराली जो बहुत ज़्यादा हो गया था तो अब प्लीज़ पेड़ लगाएं हाँ पेड़ लगाएं बाद में बात करते हैं पेड़ लगाएं जितने हो सके पेड़ लगाएं क्योंकि ये पेड़ ही हैं जो हमें हर बीमारी से बचाएंगे और यहाँ का जो नज़ारा है वो ऐसे ही खूबसूरत बना रहेगा क्योंकि पेड़ ही जीवन है जीवन ही पेड़ है बस इतना ही पता था आगे हमें नहीं पता जो भी आप समझदार हो बाकी आप समझदार हो आप समझ लेंगे पर ये है कि पेड़ लगाओ दत्ता साहब हमारे भाई रखते भाई हमारे दत्ता साहब ये हमारे पीछे बैठे हुए हमारे पीछे दत्ता साहब दत्ता साहब पीछे दत्ता साहब हमारे साथ बैठे होते हैं तो ये दत्ता साहब हमारे जो इनको जानते हैं तो वो प्लीज ना बोले क्योंकि हम दत्ता साहब को साथ तो दत्ता साहब इतने अच्छे ना आपको पता है दत्ता साहब अभी हम गाइस पहुंच चुके हैं चंडक के पास चंडक का मज़ा ये देखो और ये ड्रिबलिंग करते हुए ये आदेश है ड्रिबलिंग नहीं करनी फिर ये ऐसे लोग मिल जाते हैं हमें जो ड्रिबलिंग कर देते हैं और एक बात तो ये है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा वैसे हमने भी ड्रिबलिंग की हम क्यों आपसे ये बातें कर रहे हैं ऐसे जैसे सचो साहब के लड़के हमारे साथ ही पीछे खड़े हुए जो पीछे बाइक चला रहे हैं तो ये पीछे से मोटो ब्लॉगर्स भी आ चुके हैं मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी क्या क्या बोल सकती है मेरी देखो शक्ल कितनी अच्छी आ रही धूप आ गई यार मैं बहुत मज़ा आया मुझे अब ये वो तरुण जी है जो हर वीडियो में मेरे साथ रहते थे जो कहना शुरू हुआ इनके भी जो है इन्होंने बहुत मेहनत की है चैनल के लिए कि इस चैनल में इतना सारा सहयोग रहा है इन्होंने एडिटिंग की हमको सिखा रही है तू है तू कहाँ जाती है रे बाबू
कॉल्ड ब्यूटी, ये है पुंछ की ब्यूटी। यहाँ मंडी वाले इलाके के बस थोड़े से मंडी थोड़ा आगे बढ़ता है, ये उससे हम पीछे वाली साइड आए हैं। ये देखो गाइस, ये देखो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, दिखाओ उनको ये घर देखो गाइस। जब ये स्पेशल घर ही बर्फ़ के लिए होते हैं, ये स्पेशल घर इसलिए बनते हैं कि जब इधर बर्फ़ पड़ती है ना तो ये स्लोप भी ऐसे होते हैं कि बर्फ़ उनके ऊपर इतने ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है तो नीचे गिर जाती है। ये गाइस ये घर है, ऐसे घर ये मेनली कश्मीर वाली साइड होते हैं और ये हमारे पुंछ को मिनी कश्मीर बोलते हैं। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने दूर दूर आपके लिए आए, आपके लिए हम आए, हम आपको व्यूज़ दिखाएंगे। देखो गाइस मेरे भाई और बहनों, ये देखो बस ये यहाँ पर थोड़ी सी एक परेशानी की रोड, यहाँ पर एक सिंगल वे है और छोटी रोड है, थोड़ी सी अच्छी रोड है भाई। यारों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, हम जा रहे हैं चंद्रोला, फिर भी खाई गजरेला तेरी अजब सियां आए लगन। मैं गाली मत निकाले, रोजी की माँ की कसम ना खाओ, तुम्हारी शांति की कसम खाओ। गाइस हाइट देखें, हम कितनी हाइट पे हैं, बहुत हाइट गाइस, हम बहुत हाइट हाइट पे हैं। तो ये मैं आपके लिए उठ भी रहा हूँ, ये देखो गाइस, ये देखो कितने ऊपर तक आ गए हम, लगता है आज माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे हम, रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे, हमें क्या है, हम पहले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हुए हैं। बहने और भाइयों वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करते हैं तो कमेंट भी जरूर करें, और कमेंट जरूर करते हैं तो शेयर तो जरूर ही जरूर करें, भैया एक आप बोले तो है अच्छा, वो घंटी जो खड़ा होता है उसको दुमाने का है क्या या नहीं, कहाँ पर दुमाना, आर वाले पे दुमाना है या पर्सनल वाले पे दुमाना है? अच्छा एक गुटका थूक के बात करने का यहाँ पर, सुपारी निकाल के बात करने का हमारे साथ, ये बाबू राव का स्टाइल है, 150 रुपया देगा खाली, बाय बाय। मेरी बात सुने, मेरी हालत तो बोलने वाली आई नहीं है, ये छोटी भी ऐसी ब्लॉग मेरे को थमा दिया ने, तो क्या बोलते हैं, अभी हम पहुंच गए हैं बस थोड़े से अपनी लोकेशन के पास ही हैं, तो ये व्यू बहुत यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो अभी हम बाइक थोड़ा उतरे हैं, मज़ा कर रहे हैं थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ छोरबिया तो आ रहे हैं बोलने के लिए, पर मैं नहीं चाहता कि छोरबिया कुछ बोले यहाँ। गाइस मौसम बड़ा सुहाना है, ऊपर देखिए आप बादल ही बादल हैं, तो ठंड बहुत लग रही है गाइस। पर जो लोकेशन है, लोकेशन यहाँ से अभी कम से कम 5 किलोमीटर दूर है, तो लोकेशन में पहुँचते पहुँचते हमारी कुल्फी जम जाएगी गाइस, अगर हम बच गए तो वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। गाइस मेरी बात सुनिए, एक बुलेट का मैं बुलेट के ऊपर आ रहा हूँ, देखता हूँ मेरे को बुलेट जी, मैं बुलेट के ऊपर बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ रोहित मेरे को बताएं क्या मैं बात करूँ यहाँ पर यार, इनके बुला का मुँह से ही नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या बनाई लेने, दो दो मिनट इतनी समझ ही नहीं आनी, आप उम्मीद थत्ते हो जाने दो मिनट मेरी थत्ते करने पे, लोगे क्या कराएं, हमें पता ही नहीं चलना पे था सानू। देखो ना वीर मैं क्या करा, देखो मैं क्या कर सकता, मैं क्या कर सकता तनू, मेरे को मेरे साथ मेरे प्यारे घनिष्ठ मित्र मेरे मेरे बड़े भाई तनु भाई आए, हम यहाँ पर सेल्फी लेंगे, चोर निकालता है मेरे। और ये भाई गुटका खा के आया, मेरे भाई ने सेल्फी लेंगे इनके साथ, सेल्फी लेते हैं अब यहाँ पर हम, यहाँ पर हेलो गाइस हाउ आर यू, अब हम जा रहे हैं गाइस, ये देखो मैं सब व्लॉग ही नहीं बना रहे हैं, इतनी थर्ड क्लास कोई इसके साथ आता ही कोई नहीं है, आज मेरे साथ आता कोई नहीं है। चलो अभी चश्मा नहीं पहन सकते हैं, अब हम चश्मा पहनेंगे और निकलेंगे। तो हम आ चुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, हम बहुत अच्छा ये विकास ये ऐसी बात नहीं करनी होती है ठीक है, तो ये मेरे बच्चों मुझे देख रहे हैं सारे बच्चे, ये देखो ये कैसे देख रहे हैं, पता हमें इतना मज़ा आ रहा है, ओह क्या बात है। तो मैं यहाँ पर बाइक भी चला रहा हूँ, साथ साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो इतना मज़ा आ रहा है हमें आज। आज हम जा रहे हैं कोई शंख टूटा वाली साइड, आपको बता देते हैं हम, पर शंख टूटा नहीं चाहेंगे हम, थोड़ा क्या बोलते हैं कहाँ पर जाएंगे, चंद्रोला, इसे कॉल्ड चंद्रोला, हम वहाँ पर गजरेला खाएंगे जाके,
गाजरें हमने ली नहीं है, पर हम देखते हैं अगर हमें गाजर मिल जाए तो गजरेला वहाँ पर बनाएंगे। तो भाई क्या कर सकते हैं, मैं आपके मोजू के लिए ये मुझे ऊपर बैठा गए यहाँ पर, ये बाइक की टैंकी के ऊपर, ये देखो मैं बाइक की टैंकी के ऊपर बैठा हूँ इस टाइम। इनको पता नहीं इतना मजा आ रहा था, मैंने कहा आप आगे बैठ जाओ, आगे टंकी बैठा, इसको देखो कहाँ बैठा ये भाई। मैं तो टंकी में बैठ गया हूँ, इन्होंने इतनी प्रॉब्लम इनको हो रही है पता है आपको भाई, मुझे समझता ही नहीं है गाइस। यहाँ पर बच्चे सर मुझे देख रहे हैं गाइस, मेरी इज्जत का फालूदा कर गए हैं गाइस। मैं रोना चाहता हूँ गाइस, गाइस मैं रोना चाहता हूँ, मुझे देखो मुझे कहाँ पर मम्मा जी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, ये बात नहीं सुनते हैं ना, क्या करें। सॉरी मुझे यहाँ पर छोड़ के गए थे, खुद चले गए बाइक पे ऊपर, तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास, फिर बताते हैं आपको क्या क्या सीन रहेगा आगे का। तो शोर भी वही आगे हैं, वो ऐसे ही हंस रहे हैं। अभी हम जो लोकेशन में पहुंचे हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है इसके, जो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो तो लोकेशन प्यारी है ही है, पर जो यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी दिखाता हूँ। ये देखें आप सामने पहाड़ जो है बिल्कुल बर्फ़ से लदे हुए, बिल्कुल जो यहाँ का नज़ारा देखें आप, पूरी तरह पहाड़ जो है बर्फ़ से भर चुके हैं, एकदम ढके हुए पहाड़ बर्फों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे इस पर। और अभी तक जो नीचे स्नोफॉल होता है वो अभी तक हुआ नहीं है, शायद 2-4 दिन में ऐसा मौसम बना हुआ है यहाँ का। देखें आप तो मौसम यहाँ का बना हुआ है कि यहाँ भी स्नोफॉल होने का अब आने थोड़ा सा है कि स्नोफॉल होगा। ये ऊपर शंख डोडा जो है एरिया है उस पर अभी पूरी तरह से बर्फ पड़ चुकी है। मेरा एक ब्लॉग शंख डोडा में बना हुआ है, आपको वहाँ पे स्नोफॉल दिखाई थी हमने पिछले साल की जो वीडियो है, इस साल भी हम कोशिश करेंगे शंख डोडा पहुँचें और आपको अच्छी लोकेशन दिखाएं। ऊपर चलते हैं और आपको वहाँ ये देख सकते हैं आप, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। पर ये तो चीकड़ के कारण मुझे उतरना पड़ा, तो सूजल बैठा हुआ 100 रुपये के साथ, तो यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा है गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इधर जरूर आएँ। ये देखो गाइस इधर पेड़ इतने अच्छे अच्छे हैं, ये शाइनिंग व्यू एक बोलते हैं इनको, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएँ। और ये देखो गाइस क्या हालत है, सॉरी हमारे कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं ये, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए सौरभिया, खुद तो आराम से आगे निकल गए और मैं मेरे जैसे प्यारे बच्चे को यहाँ पर ही रख के चले गए, बोलते तू वहाँ तक पैदल आ। मैं कैसे गाइस पैदल जाऊँ, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, तो मैं इतनी ठंड है यहाँ पर, मेरे हाथ इतने वो हो गए हैं, तो वो रुक ही नहीं रहे, वो आगे आगे जा रहे हैं आगे। प्लीज़ गाइज लाइक फॉलो कमेंट जरूर किया करो इनकी वीडियो पे। ये देखो ये दिस इज़ कॉल्ड व्यू गाइज, ये पहाड़ ये गाइज, इधर रास्ता भी थोड़ा सा ऐसा है चीकड़ चीकड़े, तो इधर डेंजर भी होता है, खतरा के ऊपर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और मैं यहाँ पर अकेला चल रहा हूँ अभी, सौ रुपये और साहब आगे निकल गए, परम भैया भी आगे निकल गया, हर्षित भी निकल गया आगे, सूजल भी निकल गया आगे। तो ये गाइज ये देखो व्यू, ये पीछे बर्फ के पहाड़, इसका स्पेशल नहीं है, यहाँ पर इस जगह को शंख डोडा बोलते हैं, शंख डोडा बहुत 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 अच्छी जगह, आप गूगल पे सर्च करो देखना शंख डोडा के बारे में, बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, क्योंकि ये कश्मीर के अंडर भी आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है। वो देखो गाइस पीछे बर्फ ही बर्फ उधर पड़ी हुई है। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं जिस लोकेशन पर हम आने जाते थे, शंख डोडा के पास में ही ये लोकेशन पड़ती है, तो यहाँ पे हम पहुँचे, आप देख सकते हो पहाड़ कितने खूबसूरत, वैली है यहाँ पे, एकदम बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है यहाँ पे, और सीटिंग पोजीशन है, पिकनिक स्पॉट है ये, तो किसी कारणवश यहाँ बेसिकली थोड़ा लोकेशन को हम यहाँ शेयर भी नहीं कर सकते इधर की लोकेशन को, पर सामने का जो पहाड़ है वो आपको दिखा सकता हूँ, ये शंख डोडा का एरिया है, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वो लोकेशन में अभी शो नहीं करूँगा, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। पर आप देख सकते हो सामने जो पहाड़ है पूरी तरह से एकदम बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और मौसम देखें आप, एकदम मौसम एकदम क्लियर हो चुका है, और एकदम बढ़िया मौसम जो बर्फ़ का अनुकूल होता है, बर्फ़ के अनुकूल कह सकते हैं ये मौसम, इस टाइम बर्फ़ के अनुकूल है क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होने वाला है, तो ये स्नोफॉल का ही एरिया है, मैक्सिमम यहाँ स्नोफॉल होती है। तो गाइस वीडियो को ऐसे प्यार देते रहे, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आप देखें ये यहाँ जो रास्ता दिख रहा है अभी यहाँ तक जो है अपना एरिया, उसके सामने ये पाकिस्तान का एरिया आता है, तो ये पहाड़ जहाँ पर पड़ी है ये अपना एरिया है, तो यहाँ पे हमारी फौज तैनात रहती है, तो ये लोकेशन करते हैं।